ये डांसर्स नहीं है, मॉडल्स नहीं है, एक्ट्रेसेस नहीं है, ये आम लड़कियां हैं, और इसलिए मैं उनको अपनी शक्ति फौज बुलाती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई लड़की डिप्रेशन बैटल करके निकली, कोई लड़की कोई औरत 55-60 ईयर्स की है, कोई आईटी इंडस्ट्री से है जिसने कॉर्पोरेट यू नो ट्रॉमा झेला है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उसके साथ मीटू गिरी हुई है, एक लड़की एडवर्टाइजिंग जॉब छोड़ के घर में, मतलब शी इज़ ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। तो ये मेरी शक्ति फौज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, जिनके शायद माँ बाप हस्बैंड ये वो अलाउ नहीं करते हैं, या और ये आते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं मेरे से, मुझे पैसे देते हैं, और परफॉर्म करेंगे दिसंबर में इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स के सामने। तो हम बोलेंगे ये है हमारी भारतीय नारी, ये है हमारा शक्ति फौज, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और हमें ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं शोज़ और रियलिटी शोज़ पे परफॉर्म करने के लिए, बट मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, पोल इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वी विल नॉट डू इट फॉर फ्री, हमें we will get paid for it, so that is very important. Okay, ma'am, abhi just aapne kaha me too se bhi bahut se log aaye hain aapke dance group mein to learn the dance form. So abhi dekha jaye to industry mein bahut se aise jane jo bahut sare naam aise diggaj naam aaye hain, so me too ke upar aapka kya khayal hai? मेरा ख्याल है, मैंने वही कहा शुरुआत में कि लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। मी टू की वजह से ही हमने ये वीडियो शूट करते वक्त आई थिंक मी टू का पूरा ये सब हुआ था। तो तब ब्रिटिश ने ही कहा था यार सब लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस वहीं के वहीं चाटा मारो। सेल्फ डिफेंस एज इन मतलब ये जरूरी नहीं कि मार्शल आर्ट सीखो आप। हाँ। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप फाइट करिए उस चीज के लिए, ऑन द स्पॉट फाइट करो ना, वहीं के वहीं आई हैड टू पुट माय फुट डाउन। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनिशिएट लो उसके बाद भी, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है बौखला जाते हो, सडन सिचुएशंस आती है, आप समझ नहीं पाते क्या करना है, बट फिर भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उस सिचुएशन के लिए कि मैं अभी फाइट करूं। और हम अगर बात करें ना, पता है मी टू लड़कों के साथ भी होता है, of course, बहुत ज़्यादा होता है, बाहर नहीं आते। मैंने इंडस्ट्री में बहुत काम छोड़ा है, किसी ने मेरे साथ डायरेक्टली बदतमीजी तो नहीं की। ओके, अभी हमने एक्चुअली देखा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, आपने बताया तो जरूर देखेंगे वीडियो। अभी लड़के निकलेंगे मी टू के साथ, मैं बोल रही हूं। बहुत है, बहुत है, और हमने तो कॉर्पोरेट सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, होटल सेक्टर में तो पूछा ही नहीं है। आपको पता है कितनी एयर होस्टेसेस या पायलट से परेशान है या जो कुछ है, मुझे पता है माय फ्रेंड्स आर एयर होस्टेसेस और वो कहती है कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अरे हॉस्पिटल डॉक्टर्स में ये होता है, ये यही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज इन द लाइमलाइट। मैं अपनी लड़कियों को वही सिखाती हूँ, वी वेयर लेस क्लोथ्स, वी आर वेरी हैप्पी विद आवर बॉडीज, बट कोई मजा लेके कोई हमारे आस पास भी भटके, हम जब पार्टी करते हैं या हम शो करते हैं, कोई हम हमारे आस पास, हम खुद के बाउंसर्स हैं एक दूसरे के लिए। बट मैंने एक्ट्रेस को टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, यस आई एग्री विद दैट, व्हिच इज नॉट राइट, जिसकी जो नॉट राइट है उसकी आवाज दब रही है, सो व्हाट यू लाइक टू से? आई वुड जस्ट से यू नो व्हाट, सच बोलो, और अगर आपको सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ना ये सब चीजें मत करो, अपना काम दिखाओ, और अगर आप में वो बात नहीं है हट जाओ, एब्सोल्यूटली हट जाओ, किसी को बदनाम मत करो, क्योंकि उस आदमी या उस औरत की भी फैमिली है। ये इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ लोगों को, इस इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को काम दिया है, बहुत घर चलते हैं, बहुत बहुत से लोगों की आमदनी और बहुत सी लोगों की रोटी चलती है। तो आप किसी, अगर आपके साथ नहीं हुआ है ना, तो प्लीज अननेसेसरी पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी ना मत करो, इट इज कर्मा, कर्मा घूम के वापस आएगा आपके पास। ओके, लास्टली दिवाली भी आ गई है, तो क्या प्लानिंग से दिवाली की इस बार की? दिवाली की मैं अपने शक्ति फौज को घर पे बुलाऊंगी, मैंने उनको कहा है हम सब साड़ियां पहनेंगे और साड़ी में पोल करेंगे, कोशिश करेंगे, और पटाखों के लिए बिल्कुल नो, मेरे 3 बच्चे हैं, आई एम अ क्रीचर मॉम, आई गेट वेरी अपसेट जब स्ट्रीट डॉग्स या होम डॉग्स पटाखों के लिए, आई हेट पटाखास, बट यस हम लोग कुछ पोल करेंगे, कुछ बनाएंगे, और वील जस्ट हैव फन एंड डांस, एंड आई थिंक डांस एंड पोल डांसिंग इज द बेस्ट वे टू स्टे फिट। और फिर मोतीचूर के 3-4 और काजू कतरी और खा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे। So that's okay, lastly, दो सवाल, एक अभी जस्ट याद आया, थोड़े दिन पहले इमरान हाशमी जी से बात हुई थी, हाँ. तो उन्होंने कहा कि मैं स्माइली सूरी पे बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, जो ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने अच्छा, अरे वाह, देयर इज आर्टिकल आल्सो ऑन इट, रियली? हाँ, तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जिस डिप्रेशन से यहाँ तक आए पोल डांस,
उसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं। तो रियली ये तो शॉकिंग है, मुझे नहीं पता था, मुझे तो नहीं बोलता, मेरे साथ तो बहुत स्ट्रिक्ट है। रितेश इमरान को ट्रेन कर रहा है, ही इज टीचिंग हिम एंड ही आई एम वेरी प्राउड ऑफ इमरान, ये मैं कहना चाहूंगी। वो उसने कहा था मैं पोल सीखने आऊंगा तुमसे, लेकिन मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल और होने दो। तो मैंने रितेश को भेजा उसके पास और एक महीने से वो रितेश के साथ ट्रेन कर रहा है और मैं शॉक्ड हूँ उसे देखकर। हम जो बात कर रहे थे ना स्किल की के हेड स्टैंड कार्टवील, इमरान आज सब कुछ करता है। आप ये शायद आपको नहीं पता है और पता नहीं मुझे बताना चाहिए था कि नहीं, मैं खुशी में बता रही हूँ, बट वो आपको शॉक करेगा उस अपने स्किल से। तो वो भी अपने स्किल से बात कर रहा है और एंड में मैंने उसको बोला है कि दिसंबर में, और अगर वो मेरे से प्राउड है तो मैं कहूँगी दिसंबर में वो आके हमारा जो शक्ति पोल कैंप है उसमें पोल करे। जब उनको स्टार्ट किया था ट्रेनिंग करना फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफी इशू आ रहे थे, लाइक ही वाज नॉट दैट फ्लेक्सिबल, हालांकि वो कर रहे थे काफी टाइम से प्रैक्टिस। लेकिन वो सही एक होता है ना कि आपको एक सही स्टूडेंट मिलना और आपको सही टीचर मिलना बड़ा जरूरी है। सो हमें वो एक दूसरे की ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई और उसके बाद अभी उनका रिजल्ट आप देखोगे, अगर वो यहाँ किक करते थे तो आज वो यहाँ किक कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर देम, वेरी गुड। अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे, मे बी मेरा हमारा तो कुछ प्लान ऐसा है कि अच्छे लेवल पे स्किल्स जब हो जाएंगी तो कुछ एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंसेस एंड ऑल वो हम कर सकते हैं। हां ओके, लास्टली मैम व्हाट यू लाइक टू गिव द मैसेज टू ऑल द गर्ल्स हु वांट टू लर्न पोल डांस विद दिवाली विश। सो हैप्पी दिवाली यू गर्ल्स, यू आर धमाकास, यू आर पटाकास एंड बिकम इवन मोर स्ट्रांग। Be beautiful, be sexy, come pole. If you don't want to wear shorts and a t-shirt, you can always wear salwar kameez and pole. But definitely pole fitness कीजिए। ये एक fitness module है जो आपको thyroid, PCOD से बचाता है, आपको depression से बचाता है, आपको beautiful महसूस करवाता है। MMA self defense ज़रूर सीखिए, खुद में एक धमाका बनिए, कुछ कीजिए। Yeah, and be safe. And please don't burst crackers. Thank you. Become a cracker yourself. Yeah.